हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विजडम सीए। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे आईसीआईटीएसएस कोर्स के बारे में। आईसीआईटीएसएस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। कौन से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको करना पड़ेगा और आपको कब करना होता है कोर्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जो पीडीएफ है इसको जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे वैसे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। विजडम से आपको सर्च करना है टेलीग्राम एप्लीकेशन पे और वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो आईसीए की वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल में देखेंगे ये जो एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट आर रिक्वायर टू अंडरगो ओरिएंटेशन कोर्स बिफोर रजिस्टरिंग फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसका मतलब कि जब भी आपकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग से स्टार्ट होने से पहले आपको इस कोर्स को कंप्लीट करना होगा। तो चाहे अगर हम बात करें ओसी कोर्स की, क्योंकि ये फिलहाल में जो पीडीएफ है दिस इज फॉर ओसी कोर्स। आईसीआईटीएसएस में दो कोर्सेस होते हैं, सो दिस इज ओसी कोर्स एंड द सेकेंड वन इज आईटीटी, जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स हम बोलते हैं। तो यहाँ पे दो कोर्सेस हैं और दोनों के दोनों कोर्सेस आपको कंप्लीट करने होंगे बिफोर एंटरिंग इनटू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो यहाँ पे ये इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप देखेंगे कि वो सारे के सारे स्टूडेंट जो कि जा रहे हैं डायरेक्ट एंट्री रूट से, तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि डायरेक्ट एंट्री रूट में एडमिशन कैसे होते हैं। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सो यू हैव टू स्कोर मिनिमम 55% मार्क्स। अदरवाइज अगर आप नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सो मिनिमम इज 60% मार्क्स। तो उसके बाद आप डायरेक्ट एंट्री रूट में आप जा सकते हैं, एडमिशन उसमें ले सकते हैं। तो जैसे डायरेक्ट एंट्री रूट में जाते हैं तो उसके बाद ही आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये दोनों कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये ट्रेनिंग करनी होती है। सारे के सारे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको करना ही करना पड़ेगा। नाउ सीए फाउंडेशन की अगर हम बात करें, सीए फाउंडेशन रूट से जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं तो वो कब कर सकते हैं, तो सीए फाउंडेशन रूट से जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं तो उनको सीए फाउंडेशन एग्जाम पास करने के तुरंत बाद अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, दोनों के दोनों कोर्सेज आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने सीए एंटर ग्रुप वन पास कर लिया, सीए एंटर ग्रुप टू पास कर लिया, या दोनों ग्रुप अपने एक बार पास कर लिए, तो भी उसके बाद भी आप कर सकते हैं। लेकिन द कंडीशन इज दिस, आपको प्रायर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब आपकी जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है इसको स्टार्ट होने से पहले आपको इन दोनों कोर्सेज को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड इसके बाद कुछ और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन आप देखेंगे 90 आवर्स, 90 घंटे का कोर्स है, 15 डेज, 6 आवर्स पर डे, तो एक दिन में आपको 6 घंटे देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो क्लासेस है 6 घंटे की क्लासेस होती हैं और 6 डेज इन ए वीक, हफ्ते में 6 दिन आपको क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पे ये इस कोर्स का ड्यूरेशन है। तो अगर हम बात करें दोनों कोर्सेज की, तो सेम आईटीटी कोर्स भी सेम है, मिनिमम 6 आवर्स पर डे इन 15 वर्किंग डेज, तो 15 दिन 15 वर्किंग डेज, मतलब एक दिन छुट्टी होती है संडे को, बाकी 6 डेज इन ए वीक आपको वहाँ पे जाना होता है और 6 घंटे की क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पे ये कुछ कंडीशंस हैं और आई थिंक कि जो भी चीज़ें हैं लगभग मैंने आपको बता दिया क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यस, कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है, जैसे अभी पेंडेमिक में इंस्टीट्यूट ने कुछ रिलैक्सेशंस दे रखे हैं, तो डेफिनेटली अगर आईसीए ने रिलैक्स कर रखा है तो आपको उस टाइम पे बिना किए ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि इस टाइम पे कुछ रिलैक्सेशंस इंस्टीट्यूट ने दे रखी है। बट इन जनरल जो रूल है, रूल यही है कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, आर्टिकलशिप की जो ट्रेनिंग है, उसको करने से पहले आपको ये दोनों कोर्सेज कंप्लीट करने पड़ेंगे। सो दोस्तों, आई थिंक कि चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कब आपको ज्वाइन करना है कोर्सेज को। एंड यस, डेफिनेटली इन केस आपके कुछ डाउट हैं तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा भी कुछ और भी आपके जेन्युइन डाउट्स हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, और मेंबर बनने के बाद जैसे आप कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई भी आपको हमारी ओर से डेफिनेटली आ जाएगा। सो दोस्तों, फिलहाल मैं वीडियो यहीं तक की है। वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन भी आप प्रेस करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।